आठ साल में कभी हरियाणा से एक ट्रक भी लोगों को ले जाने का काम न यहाँ के मुख्यमंत्री को करना पड़ा है, न यहाँ की सरकार को करना पड़ा है। हम टुकड़ों टुकड़ों में नहीं सोचते, ये 100 दिन निर्णय के रहे हैं, निष्ठा के रहे हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, उनके काम में सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीबों के हितों को दी जा रही है। हम टुकड़ों टुकड़ों में नहीं सोचते, बल्कि एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर चौतरफा कदम उठाते हैं। कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ लोग तो चुनाव पराजय से इतने बेहाल है कि मन सुन्न हो गया है उनका। हिंदुस्तान के जीवन में 7 सितंबर मुझे एक और साक्षात्कार हुआ। और मैं कहना चाहूंगा, 7 सितंबर रात में सुबह 1:50 पूरा देश टीवी के सामने नजरें गाड़ के बैठा था। देश और दुनिया चंद्रयान की गति को खुशखबरी के लिए एक नजर से वहां देख रही। अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा, 1:50 बाद के 100 सेकंड 7 सितंबर की रात के वो 100 सेकंड 7 सितंबर की अर्ली सुबह के वो 100 सेकंड मैंने एक और साक्षात्कार किया। एक घटना ने पूरे देश को 100 सेकंड के अंदर जगा दिया। एक घटना ने 100 सेकंड के अंदर पूरे हिंदुस्तान को जोड़ दिया। एक ऐसा स्पिरिट, और मैं कहूंगा जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, मैं कहूंगा अब हिंदुस्तान में इसरो स्पिरिट है, इसरो स्पिरिट है। अब देश नकारात्मकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सफलता असफलता के मायने 100 सेकंड के भीतर भीतर देश ने बदल दिए हैं। अब देश पुरुषार्थ की पूजा करता है, अब देश पराक्रम की पूजा करता है, अब देश परिवर्तन की आस्था को लेकर के चल पड़ा है। ये 100 दिन विकास के रहे हैं, विश्वास के रहे हैं, देश में बड़े बड़े परिवर्तन के रहे हैं। ये 100 दिन निर्णय के रहे हैं, निष्ठा के रहे हैं, नेक नियत के भी रहे हैं। ये 100 दिन जन संकल्प के रहे हैं, जन सिद्धियों के रहे हैं, जनहित में सुधार के रहे हैं। भाइयों और बहनों, किसानों के हित में ऐसे अनेक प्रयास हो रहे हैं जिनके बल पर 2022 तक
किसान की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होकर के रहने वाला है। किसानों की लागत कम हो, फसल का उचित दाम उन्हें मिले, उपज की बर्बादी ना हो, इसके लिए निरंतर नए नए प्रकल्प आगे बढ़ाए जा रहे हैं। संसद के सत्र में जितने बिल पास हुए हैं, जितना काम हुआ है, उतना किसी भी सत्र में पिछले 60 साल में नहीं हुआ है। साल 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के लिए देश जुट चुका है। जल जीवन मिशन पर पूरा देश जुट चुका है। हरियाणा भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। ये तय किया गया है कि पानी को बचाने और पानी घर घर जल पहुंचाने के लिए आने वाले 5 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के करोड़ों साथियों के साथ मिलकर एक नई सोच के साथ उनके सपनों को, आकांक्षाओं को पूरा करने में हम जुट गए हैं। 35, 40, 45, 50, 60, 70 की उम्र के लोग जिन्होंने हरियाणा में बहुत सारी सरकारें देखी है, उन सरकारों के चरित्र को देखा है, उन सरकारों की पहचान पता है आपको। परिवारवाद, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। और यहां मुख्यमंत्री कौन बनते थे? दिल्ली में जो सरकार हो, वहां के प्रधानमंत्री को, वहां की सरकार को कोई मुसीबत हो या कोई छोटी मोटी सिद्धि के गीत गाने हो तो यहां उस मुख्यमंत्री को पसंद किया जाता था कि जो दिल्ली में ट्रकें भर भर गए, हरियाणा से लोगों को ले आए, प्रधानमंत्री के घर के बाहर ढोल नगारे पिट्टी पे, और उस समय के प्रधानमंत्री का जय जयकार करे, ये काम कर दो तो हरियाणा को वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मिल जाए। यही कारोबार चला था 5 साल में। कभी हरियाणा से एक ट्रक भी लोगों को ले जाने का काम न यहां के मुख्यमंत्री को करना पड़ा है, न यहां की सरकार को करना पड़ा है। मनोहर लाल जी सहित हमारे तमाम साथियों ने बीते 5 वर्षों में इन संस्कारों के अनुरूप काम किया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा के सरकारी सिस्टम से अपने पराए के भेद को खत्म करने का, उस मानसिकता पर चोट पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया। बीते 5 वर्षों में हरियाणा में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया गया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा में सरकारी नौकरियों में बंदर बांट की एक गलत परंपरा को खत्म किया गया है। बीते 5 वर्षों में बेरोजगार युवाओं के कौशल से लेकर उनको मिलने वाली मदद तक में वृद्धि की गई है। बीते 5 वर्षों शिक्षकों के नाम पर ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल को बंद करने का सफल प्रयास किया गया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा में किसानों की जमीन पर भ्रष्टाचार का जो खेल चलता था वो भी बंद हो गया है।
पांच वर्षों के ऐसे बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के दम पर पूरा हरियाणा आज भाजपा के पक्ष में खड़ा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।